तो हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरी आज के माइनक्राफ्ट वीडियो में। तो आज इस माइनक्राफ्ट वीडियो हम खेलने जा रहे हैं एक नया मोड जिसका नाम है प्रिजन एस्केप। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अब लिख क्या रखा है। सबसे पहले एस्केप फन एड एंड प्रिजन, हाँ ये तो पता है। बी ओ बी ऑब्जेक्ट लीव दी प्रिजन ऑल ऑल गॉड। सो रूल में रखा है एडवेंचर मोड, ब्राइटनेस 50% है ओनली और नो चीट्स हैं इसमें। मतलब चीट्स मतलब टीपी वगैरह हम यूज़ नहीं कर सकते। कमांड ब्लॉक्स आर नॉट यूज्ड। कोई बात नहीं भाई, ये तो बस लिख रखा है कि इसमें हुआ क्या है। तो अच्छा, हम सो भी सकते हैं यहाँ पे, सही है। तो देखते हैं जिसमें कुछ दे रखा है। भाई कितना सही सही सामान दे रखा है भाई यहाँ पे। हमें एक पूरी लेदर की चेस्ट प्लेट और 12 ब्रेड और एक वुडन स्वॉर्ड। तो अबे भाई, अबे स्टार्टिंग में भाई ये क्या हो गया भाई, स्टार्टिंग में। ओ भाई भाई कैसे लड़ूंगा भाई मैं, रुको। चीन आर्मर पहन के भी ज़ॉम्बीज आए हैं भाई यहाँ पे। और मुझे एक वुडन की हेलमेट, मतलब वुडन यार, वुडन की एक स्वॉर्ड दे रखी है भाई। यार चेस्ट क्यों खुल रही है, मर भाई जल्दी मर। ओ भाई ये दोनों फंसी गए हैं भाई यहाँ पे। किसको पहले मारूँ भाई ये। ओ भाई लेके आया हुआ है आयन की एक सौ मुझे मारने के लिए। एक हेलमेट भी मिल चुकी भाई यहाँ पे। और भाई ये हम कहाँ पे आ गए अब, धीरे धीरे अगले अगले हमें दरवाज़ों पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, देखते हैं किस चेस्ट में कुछ है भाई। चेस्टें भी खाली दे रखी हैं भाई, क्या फ़ायदा। कोई चेस्ट तो भाई कुछ दे दो, इस साइड वाली में शायद से कुछ हो सकता है भाई। कुछ भी नहीं भाई कितने भी चेस्ट में। वो भाई मॉब्स तो मैं इतने ज़्यादा ला रहे भाई, वो भी वुडन स्वॉर्ड्स भाई लड़ने के लिए। हद हो गई भाई सच में, कुछ भी नहीं भाई किसी चेस्ट में। तो छोड़ भाई यहाँ पे चलते हैं आगे। जब पहले यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलो छोड़ो तो चलते हैं नेक्स्ट गेट पे अपने, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये चेस्टें इतनी ज़्यादा दे रखी हैं पर सारी की सारी खाली कैसे हो सकती है, ये बताओ। देखो ये भी खाली, ओ इनकी चेस्ट पर सामान भी होता है। ओपी ओपी रोटन फ्लैश लेदर बोन्स और स्टिक्स और एक स्कल का क्या, मैं करूँगा स्लाइड डांस का। चलो छोड़ो चलते हैं भाई, सारी अभी चेस्ट मुझे चेक करनी पड़ेगी। तो मैं फटाफट से सारी चेस्ट चेक कर लेता हूँ एक बारी। तो कई थी सारी चेस्ट मैं चेक कर ली, और इस चेस्ट में से किसी भी एक चेस्ट में कुछ भी नहीं है। तो कॉल एलिवेटर, एलिवेटर एलिवेटर को मैं कैसे कॉल करूँ, एलिवेटर। अबे यार मॉब्स आ गए भाई यार, हद हो गई। खराब है भाई ये, लोगों ने देख लिया। एलिवेटर मंगवाया था भाई ये, होता है यार मरो भाई। अच्छा मतलब इस बटन से कोई एलिवेटर नहीं आता, मॉब स्पॉन हो जाते हैं जैसे ये देख सकते हैं आप। ये दबाया, देखो भाई मॉब्स कैसे निकलते हैं। तो मर भाई जल्दी मर। हाँ भाई ये भी हो गया, अब चलो अब तो खुलेगा है ही नहीं आ रही इधर कुछ। ये देखो फिर से मॉब स्पॉन हो जाएगा, वहाँ पे स्पॉन होने वाला तो होता ही नहीं बना। हाँ ये कोई एलिवेटर शेलीवेटर नहीं, हमें इस वुडन गेट के साथ चलना चाहिए। हाँ इधर ज़्यादा अच्छा है, ये कितनी गलत बात है यार, ये लिख क्यों रखा है फिर एलिवेटर यहाँ पे। तो छोड़ो मेटल के मेटल गैराज भाई, कितना ओपी ओपी सामान दे दिया भाई सच में। आयरन के हेलमेट, आयरन के हेलमेट चेस्ट प्लेट स्वॉर्ड ओपी ओके चाहिए मुझे। लेदर की और चेन के हेलमेट तो इसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा भाई है, पहनते और चलते हैं भाई। फर्नेस में कुछ है चेस्ट में भाई, क्या रोटन फ्लैश दे रखा है भाई, इतनी बड़ी प्रिजन एस्केप करनी है हमने यहाँ पे। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे हमें और ज़्यादा अच्छा अच्छा सामान मिल जाएगा, और डिफ़िकल्टी भी मुझे लगता है बढ़ती जाएंगी। अब स्केलेटन की स्कल्स दिए रखी हैं हमें बहुत सारी, और इस चेस्ट हर एक चेस्ट में कुछ है पर सारा सारा का सारा सामान फालतू है भाई। बोन का भाई मैं क्या करूँगा, बोन्स इतनी ज़्यादा मिल रही है इनका कोई यूज़ ही नहीं है। इसमें कुछ है क्या, चीज़ खुलते ही नहीं है, कितनी अजीब सी चीज़ है ये। चलो ये भी ले ही लो भाई, क्या बता के रखे, कुछ भी यूज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ ले लो। और चलो यहाँ से चलते हैं ऊपर, ऊपर कैसे रहा हूँ, हाँ ये ना स्टेयर स्टेयर बोल रहा हूँ लेडर भाई। बड़ी सही जगह यार, ये डर लग रहा है इसके ऊपर जाने से भी।
चलो भाई सही बना रख। अबे मर भाई यार, ये बड़ी खतरनाक कुत्ती है, ये धीरे धीरे अगर ज्यादा आतेगी ना तो भाई। अबे भाई मर 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 मर, बड़ा टफ है भाई, इनसे भी लड़ना अगर ज्यादा हो गए तो। इनको तो भाई मैं मार ही दूंगा, ये तो अभी कम ही है। चलो सही है, और नहीं अच्छी बात है, ऊपर चलते हैं अभी हम और। ठीक है चलो छोड़ो। ओ भाई आप देख सकते हैं भाई, ये हम कहाँ पे आ चुके हैं भाई, इतनी बड़ी जगह। अब यहाँ पे होगा क्या ये मुझे नहीं पता, ये तो अब नीचे जाके पता चलेगा। नीचे मैं कूद जाऊँ क्या? कूद गया। क्या लिखा है ये, क्या हुआ ये, क्या लिखा रखा है यहाँ पे? दी वेव स्पॉनर। अच्छा गुड्डू को भाई यहाँ पे लिख रखा है वेव स्पॉनर, मतलब पता नहीं अभी इसको दबा के देखते हैं। यहाँ पे टेस्ट है, पोशन ऑफ रीजनरेशन, वो पी स्लोनेस का मैं क्या करूँगा, 4 का रीजनरेशन तो भाई उन्हें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और मतलब यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा खराब वाली फाइट होने वाली है हमारे मॉब के साथ, जैसा कि मुझे लगता है। और अभी हम इसको दबा लेते हैं एक बारी। अच्छा यहाँ पे टेस्ट तो यहाँ पे भी हो सकती है टेस्ट, पर नहीं है थोड़ा। हाँ अभी हम वो वेव को दबा लेते हैं और देखते हैं आने क्या वाला है वेव में। 3-2-1 को चलो। खुला दरवाज़ा, अरे वहाँ पे दरवाज़ा भी, वहाँ पे जाके देखता तो हूँ है क्या मॉब शॉप आएगा क्या। मैं कोई मॉब नहीं आया, सही है। ये क्या है भाई छोड़ो। हाँ तो अभी देखते हैं ये वाला दरवाज़ा, इनका दरवाज़ा खुल के क्या लिखा है। ले ऑल दी वेव इन दी वेव स्पॉनर दी टू ओपन दी डोर। ठीक है भाई, दी वेव स्पॉनर इज ऑन योर बैक। ओ तो भाई अचानक था, इतने ज़्यादा ज़ॉम्बी कहाँ से आ गए भाई? यार स्केलेटन से तो लड़ना बहुत ज़्यादा टफ है, स्केलेटन तो दूर से ही मार सकते हैं, और मेरे पास कोई बोन वगैरह है ही नहीं। मुझे लगता है मुझे पी लेना चाहिए मेरा रीजनरेशन भाई, अब पी लेना चाहिए, पी लेना चाहिए। स्केलेटन भी आ गया भाई, भाई शुक्र मैंने पी लिया, अगर नहीं पीता तो भाई यहीं पे काम खत्म हो रहा था, स्टार्टिंग लेवल में ही वही मेरा रीजनरेशन लगी हुई है अभी तक अपने पे। मार दे तो स्केलेटन जल्दी से जल्दी, वरना यहीं पे काम खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी। अरे अभी और भी फिर से क्या भाई, अभी और भी फिर से यार। पहले मुझे हेल्थ फुल करने दो यार, हेल्थ फुल करने दो। चलो एक वेव बुला लेता हूँ पहले। अरे अब आएगा कोई? अच्छा पहले मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, पहले इस बटन को दबाना है, फिर यहाँ पे जाना है, फिर अब पीछे मुड़ के देखते हैं। वेव आ गई आ गई आ गई, वहाँ से आ गए वहाँ से आ गए। अरे भाई ये तो भाई ये बहुत ज़्यादा टफ है भाई सच में। बस एक आ भाई छोटी चटान आ गई, छोटी चटान तो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, इतनी तेज़ भागती है भाई सच में, भागता है मतलब जो भी है। ऊपर चले जाता तो ऊपर ऊपर आके मारना शुरू करेंगे भाई, मुझे टाइम मिल जाएगा। मैं अपने हंगर बात फुल कर लेता हूँ जल्दी से जल्दी। ब्रेड दी हुई है भाई खाने के लिए, हम तो बाद ऐसे जा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है, और खाना पड़ेगा। ऊपर नहीं आया यार वो, अबे आ गया ऊपर, एक ही आया बस, अरे साथ ही कहाँ है ये हैं सारे भाई, कितने ज़्यादा हैं आइए। अबे मुझे कैसे मार रहे हो भाई तुम लोग, मुझे से ओपी क्रिटिकल पढ़ पढ़ के भी मर रहे हैं, खत्म सारे। अबे कितने मर जा मर जा मर जा, ओपी 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 ओपी, कहाँ भागू भैया, मर 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 मर। क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, ठीक तो? अरे भाई मैं गेम लैग कर गई थी मतलब। चलो भाई कितने ज़्यादा भाई, वो भाई गोल्ड का आर्मर पहन के आया भाई ये, वो भी एन्चांटेड नहीं कुछ एन्चांटेड नहीं है, पर फिर भी भाई गोल्ड का आर्मर पहन के मर मर। भाई क्या हो गया भाई इसको, गोल्ड के आर्मर भाई पहन के भेजा हुआ है जैसे भाई छोड़ के मेरे लिए। वो भी फेज आने वाली है क्या, अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला भाई, हद हो गई भाई यार, खुल खुल यार। ओ भाई अब कितनी वेव से लड़ना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वेव के लिए हम ट्राई करते हैं। खुल जा भाई अब, या फिर से बटन, हाँ मैं बटन को दोबारा भूल गया था। 3-2-1 को हेलमेट खा लेता हूँ, तो आ देता हूँ भाई फटाफट से, चलो जल्दी। ये मॉब जो है नहीं है, इधर देखो पीछे देखो, पीछे देखने के बाद ही आते हैं। इसके यार स्केलेटन से भाई बहुत डर लगता है, स्केलेटन से यार क्यों भेजते हैं भाई ये, अपने पास एक कोई बोर एरो नहीं है, एक बोर एक एरो है। उस स्केलेटन को मारने के बाद ही पर मुझे मिला था, इन्होंने कुछ नहीं दिया है मतलब,
अभी स्केल्टन ऊपर आ गया, ये ले नुबड़े। हाँ भाई मैंने मार दी ओपी, निशाना अच्छा है मेरा। स्केल्टन से ऊपर आ गया भैया, क्या करूँ भाई, एक एक करके आओ, एक एक करके आओ, शाबाश एक एक करके आओ। आ जा ये ले, ड्रिल पड़ाया किसको, और एक खत्म ओपी। दो एरोज हो गया मेरे पास, मार सकता हूँ मैं किसी को मारना चाहूँ तो। इसको मारते हैं, नहीं बच पाया, भागना भी शुरू कर दिया भाई तूने, रुक रुक फिर रुक जा, इसको मारता हूँ। एक दोनों मारा कुछ नहीं होता है, एक दो निशाने नहीं बचते पर निशाने अच्छे मेरे। आ जा जा तू, हाँ जल्दी आ जल्दी जल्दी, ये बाकी के मॉब्स आ देंगे भाई तेरे चक्कर में बोर, जल्दी आ जल्दी। ये ले, अब इसको यार स्केल्टन को मारा था मैंने, ये देखा ये दोनों निशाने सही लगे मेरे भाई, दोनों आगे एक साथ, एक ही करके आया करो भाई। अबे भाई ऊपर ही मॉब्स है, नीचे ही मॉब्स है, हर जगह ही मॉब्स है भाई। रुको अभी स्केल्टन को इस स्लोनेस का क्या करूँगा, इस पर इसके एक और बहुत ओपी वाली चीज़ भी है ना जो मेरे काम आ सकती है। अब इसको थोड़ा अभी मारते हैं सभी मॉब्स को, और भी मॉब बचा, अरे ये बचा ना, इसकी छोटी चांस भी लटकी हुई है, पहले पहले यस छोटी चांस भाई तेज़ होती है भाई सच में, ये नहीं आनी चाहिए। चलो फटाफट से नेक्स्ट वेव के लिए रेडी हो जाते हैं, ऊपर कोई मॉब शॉप बचा गया नहीं बेटा, चलो नेक्स्ट वेव को बुला लेते हैं। पहले अपने आर्ट्स फुल होने देता हूँ भाई धीरे धीरे, क्योंकि भाई क्या पता इस अगली जो होगी वो इससे ज़्यादा टफ और इससे ज़्यादा हार्ड होगी पार करना। वैसे यार दरवाज़ा खुल जाना चाहिए भाई, पर भी बहुत आर्ट, अरे यहाँ पे वुडन गेट भी है भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर। रुको यार, हर जगह से भाई हर जगह से मॉब्स आ जाते हैं, मर मर मर, दरवाज़ा बाद में खुल, मॉब्स पहले आते हैं। चलो हो गया काम। ओ भाई ओ डायमंड की चेस्ट प्लेट भाई अंदर, चलो ये भी ले लो भाई, भाई डायमंड की चेस्ट प्लेट मिल चुकी है भाई, इतना ओपी ओपी सामान भी, ये सारा अंतर था भाई, नहीं मैं इसको ले नहीं सकता। अरे यार ये वाला मोड है ना, क्या बोलते हैं एडवेंचर वाला, इसमें हम कुछ ले नहीं सकते, ये कुछ भी नहीं निकाल सकता मैं चाहूँ तो। एक बार से हैंड से ट्राई करता हूँ, पहले डायमंड की चेस्ट प्लेट पहन लेते अपनी एक दो ओपी वाली, और ट्राई करते निकलते हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं निकलेगा ही नहीं, मुझे लगे था रेफ्रिजरेटर बनाने की कोशिश की है। ओ भाई चेस्ट के अंदर सामान भी है, जितना सामान मिल सकता है भाई हमें उतना सारा सामान चाहिए ही चाहिए, जो सामान मिलता है। स्टीव का हेड दे रखा है भाई यहाँ पे, ले लो जो मिलता भी हमें चाहिए, क्योंकि पता नहीं आगे कोई भी सामान कभी भी यूज़ हो सकता है। बाउल्स, बाउल्स का भाई पता नहीं कुछ काम होगा कि नहीं, पर फिर भी रख लेते हैं, क्या पता कभी स्टीव कलेक्ट करने के काम आ जाए। बड़ी चेस्ट है भाई सच में, और हर एक चेस्ट में कुछ ना कुछ है। बाउल्स भाई बड़े मिल रहे हैं, और सिक्स तो अपने पास सबसे ज़्यादा हो चुकी हैं। चलो तो ब्रेड मिली शुक्र है, खाने के लिए वैसे ही खाने की बहुत कमी चल रही थी। और ही बाउल्स 43 बाउल्स हो गई भाई अपने पास सच में। चलो चलते हैं नेक्स्ट वेव के लिए, तैयार हो जाते हैं अब। रेफ्रिजरेटर नहीं खुलता, और कुछ पता तो नहीं है कोई क्लू वगैरह, चलो छोड़ो नेक्स्ट वेव के लिए रेडी होते हैं अब। सो भाई जल्दी से आके हमने नेक्स्ट वेव के लिए न्योता दे देते हैं स्वामी को, 3 2 1 एंड गो। चलो यार जल्दी फटाफट मॉब आ जाओ, अरे वो तो पीछे पीछे मुड़ के देखना ही पड़ता है कि रूल है यहाँ पर, नहीं पीछे आओ आ गया आ जाते हैं ये। यार ये वेव सबसे आसान है, स्केल्टन्स नहीं आया फिर क्या ही है ये वेव में, मारो भाई तुमको एकदम आराम से भाई, ये बहुत ज़्यादा है भाई, पर भाई इतने ज़्यादा कहाँ से आ गए, इतने ज़्यादा आ गए भाई, मुझे लगता था कम होंगे। तो कोई ना भाई सबको मार लूँगा भाई, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ बता। चलो काश भी लास्ट वेव हो, अरे तू बच गया भाई, ये देखो ये हमसे डर के बैठ गए हो यहाँ पे, ये ले कहानी ख़त्म। चलो ऊपर कोई बच वच तो नहीं गया, मैं अब देख आता हूँ, नहीं कोई भी नहीं है, है कोई नहीं है,
चलो अब चलते नीचे। अरे यार अभी देखते वेव खत्म हुई है नहीं, कोई वेव 1 2 3 को चलो नेक्स्ट वेव काशी लास्ट हो। खुल गया, ओ भाई ओपी भाई, शुक्र है भाई, शुक्र शुक्र। गेट अप, चलो ठीक है हमें मिल गया हमारा पूरा का पूरा आयरन आर्मर। अब जाके और एक पोशन मिला, कौन सा पोशन है ये, पोशन ऑफ स्ट्रेंथ, वो भी 3 मिनट के लिए, वेरी नाइस। तो फिर आज से भी हम सारा सामान वान पहन लेते जो हमें मिला है और चलते हैं और मुझसे लड़ाई करने के लिए। तो वही चलते देखते हैं और कौन कौन से मॉब्स अभी हमारे से लड़ाई करने के लिए बचे हैं, फिर डर्सन को मारते हैं और एस्केप करते हैं जल्दी से अपनी प्रिजन। तो लेट्स गो। अबे देख रहे हो, देख रहे हो कितने मॉब टूट पड़े हैं भाई, पहले ही भाई स्ट्रेंथ पी लेनी चाहिए, वैसे मुझे पी लेता हूँ यार, क्या ही जा रहा है। चल पियो, 3 2 1 खुल जा, तू भी खुल जा, सारे आ जाओ। दो ही थे, नहीं नहीं मैं सोच रही इतने कम मॉब्स इन्होंने कैसे बेच दिए। मर मर जल्दी। ओ भाई ये कौन सा रूम है भाई, बड़ा खतरनाक है भाई, स्केलेटन्स ऊपर, मॉब्स भी, भागो यहाँ से भाई बंद। अच्छा मैं इसको चाहूँ तो मैं बंद भी कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, आप आके मैं सेफ जोन है एक तरह से मेरा। 3-3 मॉब्स आते हैं एक साथ में चल लड़ाई करने, तो भाई यहाँ पे मैं आके सेफ हो सकता हूँ। पर चलो यहाँ से मैं स्केलेटन्स को मारने की कोशिश करता हूँ। अरे बजी उसको, देखो मैं निशाना अच्छा है। एक और, अब यार ये मॉब्स क्यों आ रहे हैं यार यहाँ पे, देखो छोटे चिरानते भी आ रही हैं। वुडन स्पॉट यूज करो पर मैं, चलो कोई बात नहीं, चलो। पर ये स्पाइडर वेब अभी लग नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों, मार के देख दो एक बार, मर जाएगा ये, मैं मार दूंगा इसको आराम से। अरे कितने एरोस लेगा, लगानी है, रुको मर गया, यस। अब यहाँ पे भी है एक, एक लगा तो यार, एक तो दिख भी नहीं रहा, पता नहीं इतना अंधेरा क्यों यहाँ पे, पता भी नहीं चल रहा कि मॉब्स को लग भी रही है कि नहीं, ये बैट्स घूम रहे हैं भाई। तो चलो, वैसे मैंने वीडियो की जो ब्राइटनेस वो ऑलरेडी थोड़ी सी बढ़ाई हुई है क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा दिख जाए, पर मुझे तो भाई यहाँ पे और भी कम दिख रहा है। ये जो बच्चे होते हैं जो भी इनको बड़ा मॉब दिखे उनके पास जाके बैठ जाते हैं, ये बच्चे पता नहीं भाग क्यों रहे हैं इस बार, ऐसे तो भागते नहीं है। मॉस स्पॉनर, यहाँ पर मॉस स्पॉनर है भाई, यहाँ पर मॉस स्पॉनर भाई, मॉब आ गया, मॉब आ गया, कोई मार रहा है, भागो भागो भागो। अरे ये मॉस स्पॉनर है भाई यहाँ पे, आयरन स्पॉट यूज़ करता हूँ ना यार मैं, मॉस स्पॉनर को तोड़ देता हूँ यार, मॉस स्पॉनर को भी तोड़ पाऊंगा क्योंकि मेरा मोड है वो एडवेंचर। अरे यार क्या कर सकता हूँ मैं, मॉब क्यों नहीं स्पॉन हो रहा, मतलब यहाँ से बंद हो गया मॉब स्पॉन होना, मॉब स्पॉन होना, हाँ हो गया, क्या एक हो गया। अब स्लोली मॉब स्पॉन हो रहे हैं यार, दरवाजा खुल जाए यार। चलो अब इसको मार ही सकता हूँ मैं, बड़ी कम मॉब स्पॉन हो रहे हैं और बड़ी धीरे धीरे स्पॉन हो रहे हैं एक एक करके। अब मुझे लगता है इन स्केलेटन्स को अगर मैं एक बार मार दूंगा तो सही हो जाएगा, क्लाइन दिख भी नहीं रहे एक तो, मुझे है ही नहीं कोई शायद से, है क्या कोई, ये यहाँ पे है यहाँ पे, इनके पास जाओ तो ये मारते हैं। मर गया वो। अब शायद से लेफ्ट और राइट साइड पे दो और हैं तो अभी उन दोनों को भी मारना है, या मुझे लग रहा है बैट्स का भी कुछ चक्कर है, इन दोनों बैट्स को भी मारना है। दूसरा बैट गया कहाँ भाई, पता नहीं क्या ही है भाई यहाँ पे, एक तो ये मॉस स्पॉनर को भी नहीं तोड़ सकता मैं भाई, पता नहीं भाई क्या करना है अब। एक तो मॉस भी स्पॉन होना बंद हो गया यहाँ पे, अब बच्चे हैं दो स्केलेटन्स जो लेफ्ट और राइट साइड है, तो मुझे दिख नहीं रहा यार इस बैट को ही मारना है मुझे, क्यों लग रहा है ये, वहाँ भी मॉस स्पॉनर है। तोड़ो क्या इसको, नहीं यार कुछ नहीं टूट सकता। कोई मॉब भी नहीं आ रहा, अब स्केलेटन्स को ही मारना रह गया सच में, इस स्केलेटन को मार दो जल्दी से जल्दी, दिख भी नहीं रहा उसको लग रही है कि नहीं, मारे डालो बस हवा में ही।
पता नहीं वो, हाँ वो मर गया, वो मर गया लगता है शायद से, इसलिए वो मारना बंद कर दिया उसने। इसको मार के देखते हैं, पता नहीं वो मर रहा है कि उसको डैमेज भी जा रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा। कितना दे रहा भाई, मैं ऐसे नहीं मार जा रहा अब इसको। बस ये लास्ट निशाना, बस खत्म। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसके और ज़्यादा अगले अगले पार्ट्स आ जाएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को शेयर जितना कर सकते हो कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।